दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। शिव को कल्याणकारी कहा गया है, सब जानते हैं उनके गुण, उनके स्वरूप, उनके पूजा आराधना, उनकी सरलता, उनकी सरसता, उनकी सहजता। उस अगर शास्त्रों में जाएं तब लगता है कि इतना विशाल, हम तो बहुत सरल सा समझे थे, इतनी क्लिष्ट पूजा इनकी, इतने क्लिष्ट नाम इनके, इतने विशाल नाम इनके, अनेकों नाम मिलते हैं और ये नाम उनके गुण और कर्मानुसार निर्धारित किए गए। आप देखिए, इनको कहीं प्रलयकारी कहा, कहीं इन्हें भयकारी कहा, इनको महाक्रोधी कहा गया, इन्हें संहारक के गुण देखते हुए इनको क्या हुआ, रुद्र नाम दिया गया। ऋग्वेद में देखें, यजुर्वेद में देखें, अथर्ववेद में देखें तो शिव के ईश्वर, ईशान, रुद्र, कपर्दी, शिवकंठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अनेकों नाम मिलते हैं इनके। अकेले ऋग्वेद की 60 से 70 ऋचाओं में शिव के नाम और उनके स्वरूपों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में आप अगर पढ़ेंगे तो इनको सहस्त्र चक्षु, दिग्मायुध, वज्रायुध आदि पता नहीं क्या क्या नाम इनको दिए गए हैं। अग्नि रूप कहा गया इनको। कैवल्य में देखें, अथर्व में देखें, तैत्तरीय ब्राह्मण में देखें, नारायण आदि उपनिषदों में देखें तो इन गुरु सूत्रों में देखें इनको त्र्यंबक कहते हैं, इनका त्रिलोचन कहते हैं, इनका त्रिपुरहंता कहते हैं, इनका तांडव नर्तक कहते हैं, इनको अष्टमूर्ति कहते हैं, इनका पशुपति कहते हैं, इनको औषधि विधेय कहते हैं, आरोग्य कारक कहते हैं, वंशवर्धक कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं इनको। और जितने नाम इनके उतने ही इनके पूजाओं के विधान, उतने ही इनके पूजाओं के तरीके। क्या है, देखिए जो दो तरीके की पूजाएं देखी जाती हैं शिव मंदिरों में, शिव देवालयों में, पाषाण निर्मित शिवलिंग बना के करी जाती हैं और या वाणलिंग निर्मित शिवलिंग बना के। मगर अब आज के परिप्रेक्ष्य में वाणलिंग शिवलिंगों की अधिक महत्वता देखी गई है और इनमें तरह तरह के शिवलिंग बनाए जाते हैं। मैं पता नहीं कहा किसी साहित्य में पढ़ रहा था कि जो पाषाण शिवलिंग हैं वो द्वार मार्ग से प्रवेश नहीं कराए जाते, आकाश मार्ग से प्रवेश कराए जाते हैं। यानी कि पहले मंदिर देवालय बन जाता है, पहले देवालय के बाद में शिवलिंग की जो स्थापना होती है वो आकाश मार्ग से होती है, फिर उसके बाद में उसकी छत बनाई जाती है ना। विचित्र बात है, नहीं पता होगा लोगों को। अब ठीक है, अब सब बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, जैसे भी बन रहे हैं, शास्त्रोक्त कहाँ हैं सब चीज़ें, बस ठीक है, मैन मेड हैं। तो मैन मेड आप जानते हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, ये तो हमारी भावना है, जिस भाव से हम देखें। मगर देखिए, जो शिवलिंगों के आकार हैं, शिवलिंगों के जो स्वरूप हैं, शिवलिंगों के बारे में जो नास्तिक वर्ग ने एक भ्रांतियां फैला दी कि ये एक बड़ा एक घृणित शब्द के रूप में उसको लेने लगे, तो वो गलत है। देखिए, मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं इसको बहुत अच्छे से व्याख्या कर सकता हूँ, इसकी उसमें मत जाइए। इनके आकार में जरूर कहा गया है कि शिवलिंग 4 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा हो 4 इंच से। तरह तरह के शिवलिंग बनते हैं, देखिए पुष्पों का शिवलिंग बनता है, गोबर का शिवलिंग बनता है, रज लवण का शिवलिंग बनता है, भस्म का शिवलिंग बनता है, गुड़ का शिवलिंग बनता है, बर्फ का शिवलिंग बनता है, धातुओं का शिवलिंग बनता है, शीशे का शिवलिंग बनता है, 50 टाइप के शिवलिंग बनते हैं। और उनके शिवलिंगों के अलग अलग उनके विधान हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं, अलग अलग उनसे लाभ हैं, उनके अनुरूप लोग उनके उनको उनकी स्थापना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और लाभ उठाते हैं उससे। मैंने जो जमा किया, मैंने देखा कि कुछ शिवलिंग जो मैंने बताए, इनमें और 50 सैकड़ों टाइप के शिवलिंग हैं, मगर इनमें अगर व्यक्ति सरलता से सहजता से कर सकता है तो सप्तमृतिका का जो शिवलिंग बनाया जाता है उसका बहुत महत्व लिखा है। सप्तमृतिका जो है वो वाल्मीकि यानी कि बाम्बी की मिट्टी, गज जहाँ पे हाथी रहते हैं, अश्व जहाँ पे घोड़े रहते हैं, पवित्र नदी, कोई भी पवित्र नदी हो, संगम हो, गौशाला हो और राजद्वार हो, ये शब्द मिलते हैं। यहाँ की मृतिका लाके 4 इंच से छोटा
पाषाण शिवलिंग बना के लाके वार्डलिंग शिवलिंग बना के उनकी पूजा अर्चना करी जाती है। देखिए कठिन है, सांप की बांगी तो मिल जाएगी, हाथी कहाँ है आजकल, अश्व कहाँ है आजकल, और होंगे तो वो वहाँ पे गंदगी, वहाँ की मृतिका पर कहाँ पवित्र रहेगी। हाँ, पवित्र नदी का आप मिट्टी ला सकते हैं, किसी भी पवित्र नदी की। मैंने जो मैंने देखा, सहज सरल सुगम, तीन गेहूं का, चावल का और आटे का, इनमें आप पवित्र नदी की मिट्टी मिला सकते हैं, इनसे शिवलिंग निर्मित करें। और ये शिवलिंग, अगर इसके तरीके हैं, आप इसकी पूजा करें, जैसे सावन को मानते हैं बहुत सारे लोग, तो सावन में नित्य, सावन के प्रत्येक दिन में नित्य एक से पूजा करनी है, और अगर संभव नहीं है तो प्रत्येक सोमवार को, और फिर सावन की ही प्रतीक्षा क्यों करें एक वर्ष में, फिर तो किसी भी दिन किसी भी समय। और अगर बंधन है तो सोमवार शिव जी का दिन माना गया है, तो सोमवार के दिन ये आप तीन चीज़ों का लिंग बना के, और इसमें मिट्टी भी मिला के, पवित्र नदी की मिट्टी भी मिला के, तो मृतिकाओं में से जहाँ की भी शुद्ध पवित्र मिट्टी मिल जाए वो आप मिला के इसकी पूजा कर सकते हैं। और जो इसको बनाइए, बनाने के बाद में इसको थाली में स्थापित कीजिए, दही से, गोघृत से, शहद से, चंदन से इनकी इनका पूजा कीजिए, इनकी अर्चना कीजिए, अपना जो भी आपका तरीका है। इनमें विल्व पत्र चढ़ाइए एक केवल, और विल्व पत्र जो चढ़ाएं उसमें रांग बीज अंकित करें, रा में अंक बिंदी, और वो सीधा नहीं चढ़ाया जाता, विल्व पत्र उल्टा चढ़ाया जाता है, यानी कि फेस डाउन करके। और इसके अलावा आप जो आप स्वतंत्र हैं, जो भी पूजा अर्चना पाठ कर सकते हैं, शिव जी का एक थोड़ी है, उनका बीज है, उनके मंत्र हैं, उनके मंत्र हैं, शिव गायत्री है, शिव स्तुति है, उसमें आयुक्त सूत्र है, शिव पंचाक्षर स्त्रोत्र है, शिव षडाक्षर स्त्रोत्र है, शिवाष्टकम है, शिव ध्यान स्त्रोत्र है, दारिद्र दहन शिव स्त्रोत्र है, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत्र है, शिव तांडव स्त्रोत्र है, शिव मानस है, शिव स्त्रोत्र है। और फिर वो अगर बिल्कुल बिल्कुल कर्मकांड में जाना है तो फिर रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, पंचामृत से स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके, धूप दीप नैवेद्य जो करते हैं वो कम, जितना करें उतना कम, मगर हमें तो सहजता लानी है ना, हमें तो सुलभता लानी है, हमें तो वो सरल प्रक्रिया अपनानी है जिसको करने में हमें कहीं बलात् कहीं जोर ना पड़े, ऐसा ना लगे कि हमें लग रहा है कि हम बलात् कोई चीज़ कर रहे हैं। इसलिए सहजता से सुलभता से उपलब्ध कर लें, और ये पक्का है कि जो एक बार करें, जो पहले बार करें हम, वही फिर सारे दिन करते रहें। सोमवार पकड़ रहे हैं तो सोमवार को करें, सावन के अगर आप सारे पूरा सावन पकड़ रहे हैं तो पूरा सावन करें, अगर सावन के चार सोमवार पकड़ रहे हैं तो सोमवार के चार सावनों में करें, और पूजन के बाद में इसको जल में अर्पित कर दें शिवलिंग को। जब नेक्स्ट पूजा करें तो फिर यही प्रक्रिया, इसी प्रकार से शिवलिंग बनाएं, उसकी पूजा अर्चना करें, और फिर उसको, फिर पूजा करने के बाद फिर उसको जल में समर्पित कर दें। तो ये क्रम, ये प्रक्रिया अंतिम समय तक आप करते हैं, संकल्प ले लें बस। आप सोचते हैं कि मैं 40 सोमवार करूंगा, मैं 4 सोमवार करूंगा, मैं मात्र एक सोमवार करूंगा, जो भी करें आस्था से करें। बस वो है कि अगर रिपीटेडली कर रहे हैं तो जो एक प्रक्रिया, जो एक पहले दिन कर्म, जो एक पहले दिन पूजा, जो एक पहले दिन अनुष्ठान, जो भी कर रहे हैं वही फॉलो करें सारे फॉलोइंग दिन। थैंक यू दोस्तों, ये बहुत सरल सी चीज़ बताई थी एक, इसको आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगता है तो YouTube में प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसको दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।